गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर लेसन नंबर 9, इंटरनेट एंड ईमेल। टुडे वी विल कवर लास्ट टू टॉपिक्स, नेटिकेट एंड इंटरनेट एब्रिविएशंस एंड इमोटिकन्स। टुडे वी विल डू पेज नंबर 110, पेज नंबर 111, पेज नंबर 112 एंड पेज नंबर 113 ऑफ आवर कंप्यूटर बुक। यस बेटा, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 9, इंटरनेट एंड ईमेल। बेटा हमने लास्ट थ्री फर्स्ट थ्री टॉपिक्स जो हैं वो हम पहले कर चुके हैं, दैट इज इंटरनेट, सर्च इंजन, ईमेल एंड इट्स बेनिफिट्स। और इसके साथ साथ हमने इसका जो फोर्थ टॉपिक है, हाउ टू कंपोज अटैच फाइल एंड फॉरवर्डिंग एंड ईमेल, ये भी हमने कर लिया है। नाउ वी विल डू लास्ट टू टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। हमारे लास्ट टू टॉपिक्स कौन से हैं? फर्स्ट इज नेटिकेट। नेटिकेट क्या होता है? इट इज अ वर्ड मेड बाय नेट एंड एटिकेट। नेट और एटिकेट से मिलकर के ये वर्ड बना है। तो जब आप इंटरनेट यूज करते हैं, यू मस्ट फॉलो सम मैनर्स, दोज आर कॉल्ड नेटिकेट्स। सेकेंड इज इंटरनेट एब्रिविएशंस एंड इमोटिकॉन्स। एब्रिविएशंस क्या होती है? आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हो, व्हाट्सएप में आप लोग क्या करते हो, कई बार बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, आप उनको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हो, है ना? तो दैट इज कॉल्ड एब्रिविएशंस, जो हम इंटरनेट को यूज करते हुए करते हैं। एंड इमोटिकॉन्स, आप फेस भेजते हो, इमोशंस फेस सेंड करते हो ना अपने फ्रेंड्स को, टीचर्स को, है ना, डिफरेंट टाइप्स के इमोशंस, उनको हम बोलते हैं इमोटिकॉन्स। क्लियर? तो आज हम नेटिकेट, एब्रिविएशंस एंड इमोटिकॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। यस बेटा, सबसे पहले हम ये जानेंगे व्हाट इज नेटिकेट। नेटिकेट क्या होता है? देखिए, आपने इंटरनेट के बारे में तो अभी पढ़ा ही था, ठीक है? इसी चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में इंटरनेट के बारे में पढ़ा था। इंटरनेट क्या है बेटा? जहाँ पर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, मिलियंस ऑफ यूजर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। क्लियर? अब आप देखिए, आप सोसाइटी में रहते हैं, आप घर में रहते हैं, तो आप क्या करते हैं? आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, करते हैं। घर में रहते हैं आप, बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, छोटों से प्यार करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। सोसाइटी में रहते हैं आप, बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं, है ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे से रहते हैं। अगर आप लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आपको कोई भी पसंद नहीं करेगा। इसी तरह से जब हम इंटरनेट पर मिलियंस ऑफ लोगों के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो हमें कुछ मैनर्स, कुछ रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं, जो कि इंटरनेट के रूल्स होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? नेटिकेट्स। क्लियर? नेट मींस इंटरनेट और एटिकेट मींस मैनर्स। जो इंटरनेट पर हम मैनर्स यूज़ करते हैं, इंटरनेट पर जो मैनर्स हम फॉलो करते हैं, वो होते हैं नेटिकेट्स। इंटरनेट एटिकेट और नेटिकेट गाइड्स अस इन प्रॉपर बिहेवियर ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट एटिकेट और वी कैन से नेटिकेट क्या करते हैं? ये हमें गाइड करते हैं कि हमारा इंटरनेट पर बिहेवियर कैसा होना चाहिए। देयर आर वाइडली एक्सेप्टेड रूल्स of behavior to follow when you are online। बेटा जब आप ऑनलाइन होते हैं तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना होता है,
अपने बिहेवियर में लाना होता है और उन रूल्स को फॉलो करना होता है. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू लर्न एंड फॉलो दीज रूल्स. और इन रूल्स को लर्न करना और फॉलो करना दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. जैसा कि हमारी लाइफ में है, हम अपनी सोशल लाइफ में, फैमिली लाइफ में बहुत सारे रूल्स फॉलो करते हैं. अगर हम नहीं करेंगे तो क्या आप अपनी फैमिली में अच्छे से एडजस्ट हो पाएंगे, सोसाइटी में अच्छे से एडजस्ट हो पाएंगे? नहीं ना. तो आपको रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है. इसी तरह से इंटरनेट पर भी आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा. नाउ कैटेगरीज ऑफ नेटिकेट. अब हम नेटिकेट की कैटेगरीज के बारे में पढ़ते हैं. देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ नेटिकेट. फर्स्ट इज ईमेल कर्टसी. सेकंड इज कॉपीराइट लॉज. थर्ड इज साइबर हरासमेंट. एंड फोर्थ इज सेफ्टी ऑन नेट. सबसे पहले बेटा हम नेटिकेट की डेफिनेशन रीड करते हैं. नेट रेफर्स टू इंटरनेट एंड द टर्म एटिकेट रेफर्स टू मैनर्स और रूल्स. द टर्म नेटिकेट मीन्स अ सेट ऑफ मैनर्स दैट शुड बी फॉलोड बाय द इंटरनेट यूज़र. नेट क्या होता है बेटा? नेट इंटरनेट है. और एटिकेट मीन्स मैनर्स. जो ये नेटिकेट वर्ड है ये किसके कॉम्बिनेशन से बना है? नेट एंड एटिकेट से. तो नेटिकेट का मीनिंग क्या है? वी शुड फॉलो द इंटरनेट मैनर्स. इट इज़ फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द वर्ड्स नेट एंड एटिकेट. नेटिकेट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग. फर्स्ट इज ईमेल कर्टसी. सेकंड इज कॉपीराइट लॉज. थर्ड इज साइबर हरासमेंट. एंड फोर्थ इज सेफ्टी ऑन नेट. फर्स्ट क्या है हमारा? ईमेल कर्टसी. इसमें क्या है बेटा, जब भी आप किसी को ईमेल राइट करेंगे तो आप उसको प्रॉपर ग्रीटिंग देंगे. जैसा कि आप लिखते हैं, कई बार आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें हम लिखते हैं ना रिस्पेक्टेड मैम, है ना. या फिर आप अपने लेटर राइट करते हो हिंदी में, वहाँ पर आपको मैम लिखवाती है ना सादर प्रणाम, आदरणीय माता जी, आदरणीय पिताजी, है ना, और रिस्पेक्टेड फादर, रिस्पेक्टेड मदर, इस तरह से हम लिखते हैं ना. तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में जब हम ईमेल राइट करते हैं तो हमें अच्छे से ग्रीट करना है, और लास्ट में हमें अपना नेम और थैंक यू भी करना है, रिगार्ड्स करना है, ठीक है. तो बीच में जो भी हमें मैटर लिखना है वो हम राइट करेंगे. क्लियर? तो इस तरह से जब आप मेल राइट करें तो आप सबसे पहले ग्रीट करें, उसके बाद मैटर राइट करें, देन आप उसको रिगार्ड्स करें, थैंक्स करें, ओके. सेकंड थिंग इज़ आपको जो ईमेल राइट करना है उसमें एरर्स नहीं होने चाहिए, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है. तो आप अपनी ईमेल को बार बार चेक करेंगे ताकि उसमें मिस्टेक्स ना हो. थर्ड इज़ आप लोग जो ईमेल राइट करेंगे वो आप सेंटेंस केस में टाइप करेंगे. दैट मींस जो स्टार्टिंग के लेटर्स हैं वो कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल, ठीक है. तो आप इसको कैपिटल लेटर्स में टाइप नहीं करेंगे. अगर हम कैपिटल लेटर्स में टाइप करते हैं दैट मींस वी आर शाउटिंग ऑन अदर्स, ठीक है. तो आपको क्या करना है, पोलाइट वे में बात करनी है. पोलाइट वे में आप कैसे राइट करेंगे, आप स्मॉल और
कैपिटल लेटर्स के कॉम्बिनेशन में टाइप करेंगे, नॉर्मल जैसे हम टाइप करते हैं। क्लियर? चलिए अब हम इसको रीड करते हैं। ईमेल कर्टसी, यूज प्रॉपर वर्ड्स फ्रेजेस एंड सम कॉमन मैनर्स व्हाइल राइटिंग एन ईमेल टू एनीवन। बेटा जब भी हम ईमेल राइट करें तो हमें कुछ कॉमन मैनर्स हैं जिनको फॉलो करना है। ऑलवेज बिगिन योर ईमेल विद प्रॉपर ग्रीटिंग्स एंड क्लोज इट विद योर नेम एंड रिगार्ड्स। आप जब भी मेल राइट करें तो उसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे, बिगिनिंग कैसे करेंगे, ग्रीटिंग के साथ, रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। और उसको क्लोज कैसे करेंगे, बाय राइटिंग योर नेम एंड रिगार्ड्स। अवॉइड कमिटिंग एनी स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर इन एन ईमेल। जब भी आप ईमेल राइट करें तो उसमें स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर नहीं होने चाहिए। डू नॉट टाइप द मैसेज इन अपर केस। दैट मीन्स कि आप जो मैसेज है उसको अपर केस में टाइप नहीं करेंगे। अपर केस कौन सा होता है, कैपिटल लेटर्स। फॉर इट इज़ कंसिडर्ड एज शाउटिंग एंड येलिंग। अगर आप कैपिटल लेटर्स में अगर आप टाइप करते हैं तो उसका मीनिंग क्या है कि आप दूसरे पर्सन पर चिल्ला रहे हैं। बिफोर सेंडिंग एन ईमेल डू रीड द एंटायर ईमेल। आपने ईमेल को सेंड करने से पहले उसको रीड करना है अच्छे से। इट लेसन्स द चांसेस ऑफ एनी काइंड ऑफ एरर। इससे क्या होता है, जो हमारे एरर्स हैं, हमारी मिस्टेक्स हैं, वो कम हो जाती हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज कॉपीराइट लॉ। कॉपीराइट क्या होता है बेटा, देखो आप क्लास में आपके फ्रेंड्स होते हैं, जैसे सपोज अगर आप पेंसिल नहीं लेके आए तो आपके फ्रेंड के पास अगर पेंसिल है तो क्या आप उसकी पेंसिल अपने आप निकाल लेते हो? नहीं निकाल सकते ना। आप उसकी परमिशन लेते हो कि कैन आई टेक योर पेंसिल, लेते हो ना परमिशन। तो इसका मतलब कि वो जो पेंसिल है वो आपके फ्रेंड की है और उसके ऊपर आपके फ्रेंड का ही अधिकार है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप उसे मांग सकते हो, लेकिन अगर आप उसको मांगोगे नहीं और उसकी निकाल लोगे तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड स्टीलिंग, चोरी करना, है ना। तो इसी तरह से इंटरनेट पर भी बहुत सारा डेटा होता है। अगर हम किसी के डेटा को यूज़ कर लेते हैं और उसको अपना बना लेते हैं तो क्या होता है, दैट इज़ स्टीलिंग, ठीक है। तो वो जो डेटा है जिसको हम नहीं चुरा सकते वो डेटा कौन सा होता है, कॉपीराइट डेटा होता है। क्लियर? उसमें क्या होता है, प्रोटेक्शन होती है, किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, वो किसी एक पर्सन की अपनी प्रॉपर्टी होती है, अपना डेटा होता है, उसकी प्रोटेक्शन होती है, उसका लाइसेंस होता है उसके पास। तो आप उसके डेटा को नहीं ले सकते, यूज़ नहीं कर सकते विदाउट हिज और हर परमिशन, ठीक है। तो वो जो डेटा है दैट इज़ कॉपीराइटेड। क्लियर? इसी को हम बोलते हैं कॉपीराइट लॉ। नाउ वी विल रीड दिस कॉपीराइट लॉज। अ लॉट ऑफ कंटेंट सच एज क्रिएटिव आइडियाज, आर्टिकल्स, म्यूजिक, वीडियोज एंड सो ऑन दैट आर ओपनली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट आर समवंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बेटा इंटरनेट पर बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, आर्टिकल्स हैं, म्यूज़िक वीडियोस हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं जो कि ओपनली अवेलेबल हैं, लेकिन वो किसी इंटेलेक्चुअल, किसी एक पर्सन की प्रॉपर्टी भी हो सकती हैं, ठीक है। इफ़ दीज आर कॉपीड बाय एनी वन एंड पोस्टेड
एज हिज हर ओन क्रिएशन, और अगर कोई क्या करे उनकी उनके डेटा को, उनकी इंफॉर्मेशन को, उनके कंटेंट को कॉपी कर ले और उसको अपनी क्रिएशन बता दे, इट इज़ कंसिडर्ड अ क्राइम। ये क्या है? एक क्राइम। क्लियर? टू प्रिवेंट सच स्टीलिंग कॉपीराइट लॉज हैव बीन फॉर्मुलेटेड। इसी को प्रिवेंट करने के लिए, इसी स्टीलिंग से डेटा को बचाने के लिए कॉपीराइट लॉज जो हैं वो फॉर्म किए गए हैं। इट मीन्स इफ एनीवन स्टील्स समवन्स कॉपीराइटेड कंटेंट ही और शी विल बी पनिश्ड बाय द लॉ। कॉपीराइट लॉ मिलने के बाद क्या है, जो अगर कोई भी उस डेटा को स्टील करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन को चुराता है जो कि कॉपीराइटेड है, तो उसको क्या है, पनिशमेंट मिलेगी बाय द लॉ। लॉ क्या होता है? कानून। क्लियर? तो उसको जो कानून में जो लॉ है उसमें पनिशमेंट देने का भी राइट है। टू यूज़ समवन्स कंटेंट इट इज़ रिकमेंडेड टू गिव द डिटेल्स ऑफ द ओरिजिनल कंटेंट राइटर। अगर आप किसी का कंटेंट यूज़ करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो उसका ओरिजिनल कंटेंट राइटर है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी या उसको बताना पड़ेगा कि हमें आपका कंटेंट यूज़ करना है। नेक्स्ट इज साइबर हरासमेंट। अब देखो बेटा, आप क्या करते हो, आप फ्रेंड्स के साथ खेलते हो, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, कई बार होता है ना, तो आप किसी को गलत बात भी बोल देते हो, मार भी देते हो, है ना। सो दिस इज़ कॉल्ड हरासमेंट। इसी तरह से इंटरनेट पर देखो, आप लोग आपस में कंप्यूटर के थ्रू कनेक्टेड हो, मोबाइल्स के थ्रू कनेक्टेड हो, आप एक दूसरे को मार तो नहीं सकते, लेकिन आप किसी को रॉन्ग वर्ड्स लिख सकते हो, ठीक है, या साउंड में मैसेज भेज सकते हो, रॉन्ग मैसेज। सो दिस इज़ कॉल्ड साइबर हरासमेंट, जो कि हमें नहीं करना है। क्लियर? दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड साइबर बुलिंग। क्लियर? साइबर हरासमेंट, देयर आर चांसेस ऑफ फेसिंग हरासमेंट ओवर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स और एनी अदर साइबर प्लेटफॉर्म। बेटा ज़्यादातर जो है साइबर हरासमेंट कहाँ होती है, जब हम सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पर वर्क करते हैं, लाइक व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है साइबर हरासमेंट के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। मोस्ट सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैव रिपोर्ट अब्यूज़ ऑप्शन। जो हमारी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं उसके अंदर बेटा एक ऑप्शन आता है रिपोर्ट अब्यूज़, कि अगर आपको कोई गलत बोलता है, अब्यूज़ का मतलब होता है किसी को गलत बोलना, अगर आपको कोई गलत बोलता है तो आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। दिस ऑप्शन रिपोर्ट्स अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर यूज़र ओवर द प्लेटफॉर्म। इस ऑप्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे कि हम यूज़र की कंप्लेंट कर सकते हैं। इफ़ anyone faces any kind of the cyber harassment, report it to your parents, elders or police. अगर आपको लगता है कि कोई आपके साथ गलत बिहेव कर रहा है इंटरनेट पर, तो आप इसकी रिपोर्ट अपने पेरेंट्स को, अपने एल्डर्स को, या फिर आप पुलिस को भी इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑन नेट। देखो बेटा, आप सोसाइटी में रहते हो, ठीक है, आप अपनी सेफ्टी करते हो, घर में रहते हो, घर में आप सेफ हो अपने पेरेंट्स के पास, बाहर निकलते हो, बाहर अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हो, सड़क पर चलते हो, वहाँ पर अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हो। इसी तरह से इंटरनेट पर हम बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड होते हैं, हमें नहीं पता कि कौन से लोग अच्छे हैं और कौन से लोग बुरे हैं, तो हमें क्या करना है, इंटरनेट पर अपनी सेफ्टी करनी है, ठीक है।
अपनी सेफ्टी खुद करनी है इंटरनेट पर, तो वो हम कैसे करेंगे, अभी हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सो बी स्मार्ट वाइल यूजिंग द इंटरनेट। जब भी हम इंटरनेट का यूज़ करें, हमें उसको बहुत ही स्मार्टली यूज़ करना है, बहुत ही ध्यान से यूज़ करना है, बहुत ही दिमाग से यूज़ करना है। सेफ्टी ऑन द नेट। इंटरनेट इज़ एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन लर्न, शेयर, सर्च इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली। बेटा, इंटरनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक ऐसी चीज़ है जिसकी हेल्प से आप बहुत कुछ सीखते हो, बहुत कुछ शेयर करते हो, इंफॉर्मेशन सर्च करते हो, आपस में बातचीत भी करते हो। आप लोग करते हो ना व्हाट्सएप पे बातचीत। हाउएवर यू मस्ट फॉलो सम नेसेसरी सेफ्टी मेजर्स इन ऑर्डर टू अवॉइड अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस। तो बेटा, जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो हमें कुछ नेसेसरी जो हैं सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना है, ताकि हम जो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हैं उनसे बच पाएँ। अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस कौन से होते हैं? बैड एक्सपीरियंस, ठीक है, उनसे हम बच सकें। उसके लिए हम अपनी सेफ्टी कैसे करेंगे? नंबर वन, नेवर शेयर पासवर्ड ऑफ योर ऑनलाइन अकाउंट। कभी भी आप अपने किसी भी अकाउंट का पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। नेवर प्रोवाइड योर पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक नेम, एड्रेस, लोकेशन एंड नेम ऑफ द स्कूल, कॉन्टैक्ट डिटेल, पेरेंट्स इंफॉर्मेशन एंड सो ऑन विद एनीवन विदाउट योर पेरेंट्स परमिशन। आप अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ भी इंटरनेट पर शेयर नहीं करेंगे। क्लियर? नेवर शेयर योर फोटोग्राफ्स और वीडियो क्लिप्स विद एनीवन ओवर द इंटरनेट। और आप अपने फोटोग्राफ्स और अपनी वीडियोस को भी इंटरनेट पर शेयर नहीं करेंगे। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस ऑन द इंटरनेट, ऑलवेज शेयर इट विद योर पेरेंट्स और एन एल्डर विदाउट एनी डिले। और अगर आपको लगता है कि इंटरनेट पर आप अनकंफर्टेबल हैं, आपके साथ कोई गलत बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपके साथ गलत हो रहा है इंटरनेट पर, तो आपने क्या करना है, ये इन्फॉर्मेशन अपने पेरेंट्स या अपने एल्डर्स के साथ जल्दी से जल्दी शेयर करनी है। नोट, इट इज़ रिकमेंडेड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। और जब भी आप पासवर्ड लगाएं तो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग मीन्स कि ऐसा पासवर्ड लगाएं कि कोई भी उसको जज ना कर पाए कि आपने क्या पासवर्ड लगाया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट एब्रीविएशंस। देखिए, इंटरनेट एब्रीविएशंस क्या होती हैं? बेटा, आप लोग कई बार जब व्हाट्सएप पर आप बात करते हो, ठीक है, अगर हमें गुड नाइट लिखना है तो हम क्या लिखते हैं? GN। इसका क्या मीनिंग है? गुड नाइट। गुड मॉर्निंग लिखना है, हम लिखते हैं GM, दैट मीन्स गुड मॉर्निंग। तो हम क्या करते हैं? शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। क्लियर? तो वो जो हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एब्रीविएशंस। क्लियर? तो इंटरनेट पर बहुत सारी एब्रीविएशंस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ BTW, बाय द वे। CTN, कैन नॉट टॉक नाउ, है ना। इस तरह से हम शॉर्ट शॉर्ट एब्रीविएशंस इंटरनेट पर यूज़ करते हैं वाइल टॉकिंग टू ईच अदर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस रेफर्स टू द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एनी टर्म और फ्रेज। बेटा, किसी भी टर्म की शॉर्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? एब्रीविएशन।
द यूज ऑफ एब्रीविएशंस सेव्स द टाइपिंग टाइम। इससे क्या होता है, हमें बड़े बड़े वर्ड्स नहीं टाइप करने होते, हमें शॉर्ट में टाइप करना होता है, तो इससे जो हमारा टाइम है वो सेव होता है। इनफैक्ट एसएमएस इट्सेल्फ इज एन एब्रीविएशन ऑफ शॉर्ट मैसेज सर्विस। जो एसएमएस है, दिस इज़ अ एब्रीविएशन ऑफ शॉर्ट मैसेज सर्विस। द टेबल गिवन बिलो कंटेन्स सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड एब्रीविएशंस व्हाइल चैटिंग ऑनलाइन और सेंडिंग एन एसएमएस। जब भी हम किसी को एसएमएस सेंड करते हैं या किसी के साथ चैटिंग करते हैं तो हम इन शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? हमें बड़े बड़े वर्ड्स टाइप करने पड़ते हैं जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट होता है, तो हम क्या करेंगे, इन शॉर्ट फॉर्म्स को यूज़ करके एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ इमोटिकन्स। देखिए, ये स्माइलीज, डिफरेंट टाइप्स के फेस आप लोग व्हाट्सएप पे सेंड करते हो ना अपने फ्रेंड्स को, मैम्स को। कई बार मैम भी आपको स्माइली सेंड करती हैं ना। ठीक है, तो अभी एग्ज़ाम दी है तो मैम ने आपको स्माइली सेंड की होगी, है ना। तो इस तरह से इनको हम क्या बोलते हैं, इमोटिकन्स, जो कि हमारे इमोशंस के बारे में बताते हैं। अगर मैम आपको स्माइली सेंड करते हैं, इसका मतलब मैम बहुत खुश हैं आपके पेपर से, है ना। अगर मैम ने आपको सैड फेस सेंड कर दिया, इसका मतलब मैम आपके पेपर से खुश नहीं है, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे आपके इमोशंस जो हैं वो पता चलते हैं कि हाउ यू आर फीलिंग, कि आप कैसा फील कर रहे हो। कई बार हम इस तरह के इमोशंस भी भेजते हैं। ठीक है, आप काम भेजते हो, आपने मैम को पेपर भेजा, मैम ने आपको यूँ थंब भेज दिया, है ना। ये वाला थंब भेज सकते हैं ना मैडम, भेजते हैं ना, कि वेल डन। ठीक है, तो इस तरह से हम जो इमोशंस भेजते हैं, दीज आर कॉल्ड इमोटिकन्स। इमोटिकन्स अ मेजर लिमिटेशन ऑफ अ टेक्स्ट मैसेजिंग फीचर इज दैट इट इज़ नॉट अ फेस टू फेस कम्युनिकेशन। बेटा, व्हाट्सएप पर या इंटरनेट पर हम क्या करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं, हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। देयरफोर पीपल हु आर चैटिंग कैन नॉट सी द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ ईच अदर। तो जो लोग आपस में चैटिंग कर रहे होते हैं थ्रू मैसेजेस, दे आर नॉट एबल टू सी द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ ईच अदर। वो एक दूसरे का फेस नहीं देख पाते, उनके एक्सप्रेशन नहीं जज कर पाते कि उनको कैसा फील हो रहा है। सो इमोटिकन्स वर इन्वेंटेड टू ओवरकम दिस इशू। तो इसीलिए इमोटिकन्स इन्वेंट किए गए। द टर्म इमोटिकन इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द टू वर्ड्स इमोशंस एंड आइकन्स। जो इमोटिकन वर्ड है बेटा, ये इमोशंस और आइकन से मिलकर बना हुआ है। दीज आर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेरियस फेशियल एक्सप्रेशंस सच एज स्माइलिंग, क्राइंग, शाउटिंग, स्लीपी एंड सो ऑन। तो आपने देखा, बहुत सारे टाइप्स के फेसेस हैं वहाँ पर, इमोटिकन्स में बहुत सारे टाइप्स के फेसेस हैं ना। तो आप अपनी किसी भी तरह के इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हो यूजिंग दीज इमोटिकन्स। इमोटिकन्स आर लार्जली यूज्ड इन एसएमएस एंड ऑनलाइन चैट्स। इमोटिकन्स बेटा हम कहाँ यूज़ करते हैं, वाइल चैटिंग, और जब हमें कोई शॉर्ट मैसेज सेंड करना है तब भी हम इमोटिकन्स का यूज़ कर सकते हैं। द लिस्ट ऑफ सम पॉपुलर इमोटिकन्स इज डिस्प्लेड इन द फॉलोइंग टेबल। अगर आपको हैप्पी का इमोटिकन भेजना है तो आप ये वाला सिंबल डालेंगे तो आपका हैप्पी फेस आ जाएगा। ठीक है, ये सिंबल डालोगे तो सैड फेस आ जाएगा। नाउ
वी विल लर्न अबाउट इंटरनेट एटिकेट्स. ऑनलाइन मैनर्स एंड एटिकेट्स हैव नॉट केप्ट पेस विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस. बेटा हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे यूज़ करते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी को, और बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है. तो इसीलिए हमें इंटरनेट पर बहुत ही केयरफुली वर्क करना है. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेन केयरफुल वाइल यू आर ऑनलाइन. हेयर आर सम नेटिकेट सजेशंस दैट यू शुड फॉलो. कुछ सजेशंस हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए. नंबर वन, एब्सटेन फ्रॉम कॉपिंग समवन एल्स वर्क एंड पोस्टिंग इट एज योर ओन. इसका मतलब क्या है कि हमें कॉपीराइटेड डाटा को नहीं चुराना है. क्लियर? किसी दूसरे के काम को अपना काम बना करके प्रेजेंट नहीं करना है. सेकेंड इज, डू नॉट यूज़ ऑल कैप्स वाइल सेंडिंग अ मैसेज टू समवन. दिस अमाउंट्स टू शाउटिंग. आपको बेटा कैप्स मीन्स कैपिटल लेटर्स, जो भी आप मैसेज सेंड कर रहे हैं वो आपको कैपिटल लेटर में टाइप नहीं करना है. अगर आप कैपिटल लेटर में करेंगे टाइप, इसका मतलब क्या होगा, यू आर शाउटिंग ऑन अनदर्स. नेवर गिव आउट पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन एवर. आपको बेटा पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन, अपने घर की इंफॉर्मेशन, स्कूल की इंफॉर्मेशन, अपनी इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है. ऑलवेज री रीड एनीथिंग बिफोर पोस्टिंग. अगर आप कोई भी चीज़ पोस्ट कर रहे हैं, कोई आप मैसेज व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं या किसी को मेल सेंड कर रहे हैं, तो आप उसको बार बार रीड कीजिए ताकि कोई भी गलत चीज़ आप पोस्ट ना करें. एंड इफ़ इट वॉलेट्स एनी रूल, डोंट पोस्ट इट. अगर आपको लगता है कि ये रूल के बाहर है तो आपको क्या करना है, उसे पोस्ट नहीं करना है.